नमस्कार। कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा, बिहार जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, ये पक्की बात मैं कह रहा हूँ। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसला के तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। ये तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा और 31 मार्च तक रहेगा। इसमें चिकित्सा सेवा, विद्युत आपूर्ति सेवा, पुलिस सेवा, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंक, बिहार के अधीन सभी कोषागार के कार्यालय, डेयरी आदि बंद नहीं होंगे, और लेकिन सारे कार्यालय बंद होंगे, निजी कार्यालय भी बंद होंगे, लेकिन किसी निजी क्षेत्र के अधीन अगर चिकित्सा सेवा चल रही है, दूरसंचार सेवा चल रही है, बैंकिंग सेवा चल रही है या डेयरी संबंधित कोई सेवा चल रही है तो वो उस पर ये लागू नहीं होगा। मैं इसी तरह से दवा की दुकान पर, राशन की दुकान, किराना स्टोर, सब्जी दूध आदि विक्रय से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो बंद नहीं रहेंगे, वो खुले रहेंगे। इसी प्रकार खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकानें इस परिधि से मुक्त रहेंगी। सभी सरकारी और निजी वाहनों का चालन बिल्कुल बंद होगा। निजी वाहनों का उपयोग खाद्य सामग्री लाने के लिए, सब्जी दूध दवा लाने के लिए या आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। ये सभी जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर यह लागू होगा। और जो जो मैं दोहरा देता हूँ, जो जो सेवाएं, जो जो प्रतिष्ठान इस आदेश की परिधि से बाहर है उसमें निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा है, दूरसंचार सेवा है, बैंकिंग सेवा है, ATM है, डेयरी और डेयरी संबंधित प्रतिष्ठान हैं, सब्जी की दुकानें हैं, दवा एवं चिकित्सा उपकरण की दुकानें हैं, खाद्यान्न एवं किराना की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप है, खुले रहेंगे, CNG स्टेशन है, गैस एजेंसी चलेगी, पोस्ट ऑफिस, कुरियर सेवा, ई कॉमर्स से ली जाने वाली सेवा संबंधित सेवाएं ये सब चालू रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन इसके अलावे बाकी सब कुछ बंद रहेगा। तो एक तरह से ये टोटल लॉकडाउन है 31 मार्च तक के लिए, और इसमें बहुत संयम से काम लेना है, धीरे से काम लेना है। और आज जो जनता कर्फ्यू में जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो केवल बिहार की बात करूंगा, पूरे बिहार में जिस तरह जनता ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, ऐसा तो कभी कर्फ्यू में देखा नहीं गया। ये जनता का कर्फ्यू था और स्वेच्छा से सारे लोग अपने घरों में सिमटे रहे, सब जगह सन्नाटा रहा, और यही कोरोना से बचने का उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घरों में रहें, 31 मार्च तक बिना जरूरत के घर से निकलना ही नहीं है, क्योंकि संक्रमण से ही ये बीमारी फैलती है। बिहार में इसका प्रभाव हो गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, डरने की जरूरत भी नहीं है, हिम्मत और धैर्य बना करके रखना है, लेकिन बचना है, एकदम बचना है, संक्रमण से बचना है। कोई भीड़ भाड़ की करनी नहीं है, कहीं सामूहिक पूजा पाठ अनुष्ठान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, कहीं भी सामूहिक रूप से भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिद पर या बेवकूफी में या भावुकता में कोई गलती करेंगे तो इसका परिणाम पूरे आवाम को भोगना पड़ेगा, हम ऐसी गलती कोई नहीं करेंगे। हम ये युद्ध की स्थिति है, जब युद्ध छिड़ता है किसी बाहरी मुल्क से, हम कभी नहीं सोचते कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, तो उससे भी ये भयानक संकट का समय है और उससे भी बहुत बड़ी परीक्षा देनी है हमें। हमें जात का बंधन तोड़कर, मजहब का बंधन तोड़कर, अगड़े पिछड़े का बंधन तोड़कर, दल का बंधन तोड़कर, सारी परिधियों से बाहर होकर के, एक होकर के, एक हिंदुस्तानी होकर के अपनी वतन परस्ती दिखानी है, अपनी एकता दिखानी है, अपना अनुशासन दिखाना है, अपना धीरज दिखाना है, और कोरोना हार जाएगा। अगर ये काम हम करेंगे तो कोरोना हार जाएगा। हम कोई बेवकूफी करेंगे अज्ञानतावश, जीत बस, भावुकता में, मूर्खता में, अगर हम जमा होंगे, भीड़ करेंगे, कोई भी ऐसी गलती करेंगे तो फिर बड़ा भयंकर परिणाम इसके होंगे। तो 31 मार्च तक
सरकार ने पूरा लॉकडाउन किया है, ये नोटिफिकेशन अभी जारी होने जा रहा है, मैंने आपने बता दिया आपको बहुत विस्तार से, कल आप अखबारों में भी पढ़ लेंगे किन किन सेवाओं पर ये कानून लागू नहीं होगा, उसका विस्तार से आपको बता भी दिया है। तो मेरा अनुरोध है, मैं आपसे अपील करता हूं, अपनी एकता, अपना धैर्य, अपना अनुशासन दिखाएं, कोरोना को हराएं और अपने हिंदुस्तान को, अपने सूबे को जिताएं, धीरज बनाए रखें, हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। गुप्तेश्वर पांडे जी।